फ्रेंड्स, मैं हूँ गीतांजलि और आप देख रहे हैं मेरी चैनल जिसका नाम है लाइफस्टाइल ऑफ गीतांजलि। ज़्यादातर बच्चे वेजिटेबल्स पसंद नहीं करते, उन्हें पिज़्ज़ा, बर्गर, रोल, चाउमीन, मैदा से भरे हुए फूड सबसे ज़्यादा पसंद है। तो आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी एक रेसिपी शेयर करूंगी जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद भी होंगे और वेजिटेबल्स ना खाने की जो प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएंगे। इसका नाम है ब्रेड भुर्जी। ये फूड आप खुद भी टिफिन में यूज़ कर सकते हैं अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं तो, क्योंकि ये एक हेल्दी टिफिन है और ये खाने के बाद बहुत टाइम तक आपको भूख भी नहीं लगेगी। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है 100 ग्राम चॉप्ड कैरेट, 100 ग्राम चॉप्ड बीन्स, एक स्मॉल साइज चॉप्ड कैप्सिकम, 100 ग्राम पीस, एक मीडियम साइज चॉप्ड ऑनियन, एक टीस्पून गार्लिक, एक टीस्पून जिंजर, एक टेबलस्पून सोया सॉस, एक टेबलस्पून टोमेटो सॉस, चीज़, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, मिक्स हर्ब एंड ऑरिगेनो। यहाँ पर मैंने 5 ब्राउन ब्रेड लिया है क्योंकि ये वाइट ब्रेड से ज़्यादा हेल्दी है और अगर आप डाइट पे हो तो आपके लिए ये बेस्ट है। आपके पास अगर ब्राउन ब्रेड ना हो तो वाइट ब्रेड भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले एक छुरी की हेल्प से ब्रेड के साइड पोर्शन को चारों तरफ से कट कर लेंगे और मिडिल पोर्शन को स्क्वायर शेप में कट करके उसके स्मॉल पीसेस बना लेंगे। आप चाहे तो इसे हाथ से भी कोई भी शेप में तोड़ सकते हैं। गैस में पैन गरम करके एक टेबलस्पून बटर दूंगी और बटर मेल्ट होने के बाद ब्रेड के सारे पीसेस डाल के 5 मिनट्स के लिए सैलो फ्राई कर लूंगी। इस टाइम पे ध्यान रखें कि ब्रेड जल ना जाए, इसीलिए कंटिन्यूअस स्टायर करते रहिए। देखिए इसका कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। फाइव मिनट्स के बाद इसके कलर चेंज होने पर अलग से रख देंगे। आप चाहे तो जिस पैन में ब्रेड फ्राई किए उसी पैन को रीयूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अलग से कढ़ाई यूज कर रही हूँ। कढ़ाई गर्म होने के बाद इसमें 2 टेबलस्पून व्हाइट ऑयल ऐड करके 1 टीस्पून गार्लिक और 1 टीस्पून जिंजर डाल दूंगी। अब 1 मिनट के लिए सैलो फ्राई कर लूंगी जब तक स्मोकी फ्लेवर आना स्टार्ट ना हो। इसके बाद चॉप्ड ऑनियन डाल के गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूंगी 1 मिनट के लिए। अब इसमें एक एक करके चॉप्ड कैरेट, चॉप्ड बीन्स, पीस डाल दूंगी और अच्छे से मिक्स कर दूंगी। आप चाहे तो इसमें आपके मनपसंद वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। अब इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दूंगी और अच्छे से मिक्स करके 5 से 8 मिनट तक ढक के रख दूंगी। इस टाइम पे फ्लेम लो से मीडियम रख दूंगी। बीच में एक बार ढक्कन खोल के मिक्स कर लीजिए, नहीं तो वो जल भी सकता है।
8 मिनट के बाद इसमें चॉप्ड कैप्सिकम और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड कर दूंगी। कैप्सिकम ऐड करने के बाद ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लूंगी, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर फ्राई किए तो कैप्सिकम का फ्लेवर चला जाएगा। इस स्टेज पे आप अगर चाहे तो पनीर की पीसेस, बॉयल कॉर्न, मशरूम, बॉयल्ड सोयाबीन और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो इसमें बॉयल्ड चिकन के छोटे छोटे पीसेस भी ऐड कर सकते हैं। इससे ये डिश और भी हेल्दी हो जाएंगी। अब इसमें 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून टोमेटो सॉस ऐड कर दूंगी और अच्छे से मिक्स कर दूंगी 1 मिनट तक। इसमें पहले से फ्राई किए हुए ब्रेड के पीसेस डाल के फिर से मिक्स कर लूंगी। ऊपर से 1 टीस्पून मिक्स हर्ब और 1 टीस्पून ओरिगेनो ऐड कर दूंगी और अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अभी रेडी है हमारे हेल्दी स्नैक्स जिसका नाम है ब्रेड भुर्जी। आइए इसको सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेते हैं और ऊपर से चीज ग्रेट करके गार्निश कर लूंगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी हिट कीजिए ताकि मेरे चैनल में आने वाले वीडियोस के बारे में अपडेट रह सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।